everyone. So myself Anshul. Welcome to my channel, Ms. Botanophilic. And in today's video, I'll be telling you about the topic timber yielding plant. तो आज हम लोग इकोनॉमिक बॉटनी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है टिम्बर यील्डिंग प्लांट। इसके अलावा इकोनॉमिक बॉटनी पे मैंने और भी वीडियोस अपलोड करी हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट सेक्शन प्लांट रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन या फिर इकोनॉमिक बॉटनी के लिए मैंने एक बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, वहां जाके आप लोग बाकी वीडियोस चेक कर सकते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगी सबसे पहले कि टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स क्या होते हैं। ड्यूरेबल वुड्स मोस्टली यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर्स एंड ऑफन गुड्स। टिम्बर वर्ड आता है ना, वो होता है कि ऐसे वुड्स, ऐसे ड्यूरेबल वुड्स जो हम यूज कर रहे हैं किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, फर्नीचर्स प्रिपेयर करने के लिए या फिर कोई भी वुडन गुड्स प्रिपेयर करने के लिए। गुड्स जो होता है मटेरियल को बोलते हैं, तो गुड्स प्रिपेयर करने के लिए जो भी हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं उसके लिए वुड होती है, तो वो वुड जिस भी प्लांट से ऑब्टेन की जाती है उसको हम बोलते हैं टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स। ओके, कि मैं यहाँ 5 प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगी जो कि है टीक, साल, शीशम, देवदार एंड पाइन। 5 हमारे प्लांट्स है, इनका क्लासिफिकेशन होता कैसा है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि किसी हार्ड वुड के बारे में बताओ जो कि टिम्बर यील्डिंग प्लांट होता है या किसी सॉफ्ट वुड के बारे में बताओ जो कि टिम्बर यील्डिंग प्लांट होते हैं। ओके, तो इस वीडियो से वैसे तो बहुत से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में वैसे क्लियर हो जाएंगे। तो टीक, साल और शीशम ये तीनों हम लोग हार्ड वुड की कैटेगरी पे पढ़ेंगे। ओके, और पाइन और जो देवदार होता है वो हम लोग सॉफ्ट वुड की कैटेगरी पे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड क्या होता है, देखो नाम से क्लियर है, हार्ड वुड वो होता है जो कि बहुत ड्यूरेबल होता है, वो इजीली फायर कैच नहीं कर सकता है, डू नॉट कैच फायर इजीली, और मोस्टली ये डेसीडियस होता है और एंजियोस्पर्म की कैटेगरी को बिलोंग करता है। वहीं पे जो हमारे सॉफ्ट वुड होते हैं वो लेस ड्यूरेबल होते हैं, इसलिए हम इससे कोई हाई फाई वाला फर्नीचर नहीं बना सकते। मोस्टली ये जो सॉफ्ट वुड होती है कोनिफेरस ट्रीज से एक्सट्रैक्ट की जाती है, वो एवरग्रीन होते हैं और मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। पाइन और देवदार दोनों ही हमारे जिम्नोस्पर्म हैं और टीक, साल, शीशम ये तीनों हमारे एंजियोस्पर्म हैं। तो अगर आपके एग्जाम में टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स आता है तो उसके दो सोर्स होते हैं, एक हार्डवुड होता है, एक सॉफ्टवुड होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैंने बता दिया। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई जो हार्डवुड होता है सॉफ्टवुड होता है इसके बीच में डिफरेंशिएट करो, तो आराम से आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, अब हम लोग एक एक करके सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं सीरीज में ही ये प्लांट्स के बारे में आपको बताऊंगी। कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट कर रहे तो हमें बेसिक से ही स्टार्ट करनी होती है। टीक का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको हम बोलते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है वर्बिनेसी फैमिली, इसको हिंदी में हम बोलते हैं शगौन। तो शगौन जो होता है इसका हमारा हिंदी नेम होता है, बाकी ये मैंने आपको यहाँ पे फीचर बता दिए हैं। इसके बाद से आता है इसकी प्लांट हाइट और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी जो प्लांट हाइट होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर्स। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पाया जाता है, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, इंडोनेशिया। फिर आता है इसके प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि होती है फ्रूट्स, फ्लावर और लीफ। इसका जो फ्रूट होता है वो बिल्कुल ग्लोबोज होता है। फ्लावर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, क्लस्टर्ड, फ्रेग्रेंट और हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल पार्ट जो होगा वो एक ही प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, इसकी जो लीव्स होती है वो बिल्कुल पेपरी ग्रीन कलर की होती है, बहुत पतली सी होती है और हरे रंग की जो होती है इसकी लीव्स होती है। देन अब हम पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं टीक के वुड की। देखो टीक वुड की जो होती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सबसे पहले तो ये बहुत ड्यूरेबल होता है, तो हाईली ड्यूरेबल होता है, इसमें हाई ऑयल कंटेंट देखने को मिलता है। एटमॉस्फेरिक चेंज जो होता है इससे रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये नहीं कि एटमॉस्फेयर पे चेंज हो रहा है तो इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। जैसे एक वुड हम लोग पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है कि रेनी सीजन की वजह से क्या होता है उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं, तो एक वुड हमारा वो भी आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि उस वुड को क्या बोलते हैं। अगली चीज इसमें आती है कि पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, मतलब फंगल अटैक, टर्माइट अटैक, सब टाइप के जो इंसेक्ट अटैक्स होते हैं उनसे क्या होता है काफी ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। और इसमें जनरली कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनिया और सिलिका देखने को मिलता है। नाउ वी हैव द यूजेस ऑफ टीक। टीक के क्या क्या यूजेस होते हैं, डोर, विंडो, फर्नीचर, इंडोर फ्लोरिंग बनाने के काम आता है, जो शिप्स में डेक्स होते हैं उसको भी बनाने के काम आता है। यूज टू मेक जॉइंट एंड ब्रिजेस, जो जॉइंट्स और ब्रिजेस होती है, बीम्स होती है, प्लैंक्स होते हैं, ये सब हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें जो होती है टीक की लकड़ी से बनती है। और जो टीक की लकड़ी होती है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, इवन इसको बचाने की भी बहुत कोशिश की गई है। जितने भी कंजर्वेटरी हमारे जो होते हैं प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं उसमें कोशिश की जाती है कि जो इलीगल कटिंग होती है ना ट्रीज की, उसमें टीक की लकड़ी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है,
ड्यूरेबल होती है और बहुत सी चीज़ों से क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है. तो इसकी जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो बहुत ज़्यादा हाई है एज कंपेरिजन टू द अदर वुड्स दैट वी आर स्टडिंग हेयर. ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ा टीक के बारे में. अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 पॉइंट्स के फॉर्म पे मैंने इजिली इसका डिस्क्रिप्शन आपको बताया. इसी फॉर्म में आप इस चीज़ को एग्जाम में एक्सप्लेन करके आओगे, चाहे आपका क्या हो, इंडिविजुअल क्वेश्चन आए किसी भी इंडिविजुअल प्लांट के बारे में पूछ ले, अगर पूछेगा भी तो इन्हीं 5 प्लांट्स में से एक के बारे में पूछता है, या फिर अगर आपका एग्जाम में आ गया कि किसी हार्डवुड को एक्सप्लेन करो और आप लोगों ने वहाँ पे टीक एक्सप्लेन करना है, तो इसी मैनर पे आप वहाँ पे एक्सप्लेन करके आओगे एग्जाम में. ओके, ये बहुत यूजफुल तरीका होता है कि इस तरीके से अगर हम लोग एग्जाम में लिखते हैं तो एक अच्छा वे होता है अपने आंसर को एक्सप्रेस करने का. तो ये एक सही तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्रेस करने का. इसके बाद जो प्लांट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है साल. तो सबसे पहले साल का बेसिक डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं शोर या रोबस्टा. डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली को बिलोंग करता है और इसको हिंदी में सरई बोलते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है, साल का एक बेसिक सा डिस्क्रिप्शन है कि क्या इसका साइंटिफिक नेम होता है, फैमिली नेम होता है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं. कहाँ पाया जाता है, तराई, भाबर, दून्स, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेपाल. ये जगह होती है जहाँ पे मोस्टली साल देखा जाता है. 37 मीटर की इसकी अप्रॉक्सीमेटली हाइट होती है और 3.7 मीटर की इसकी गर्थ होती है. गर्थ मतलब होता है कि कितना डायमीटर है, कितनी विड्थ है उसकी. ओके, आफ्टर दिस वी हैव कि हम इसका बेसिक फीचर पढ़ते हैं. अब जो बॉडी का फीचर होता है कि लीव्स कैसी होती है, लीव्स इसकी सिंपल होती है, ग्रीन होती है और लस्टरस होती है, मतलब थोड़ी शाइनी टाइप की होती है. इसका जो फ्लावर होता है वो पेल येलो कलर का होता है. इसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो बिल्कुल ओवल शेप के होते हैं, लेकिन 5 विंग्स देखने को मिलती है. इन 5 विंग्स में से 3 तो लॉन्ग विंग्स होती है और 2 जो होती है शॉर्ट विंग्स होती है. देन वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द साल वुड. साल वुड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हाईली ड्यूरेबल होता है, हाईली रेजिनस होता है. साल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो वुड होती है सीजनल जो होते हैं क्रैक्स देखने को मिलते हैं. तो दिस वी हैव द यूजेस ऑफ साल. साल के क्या क्या यूजेस होते हैं, सबसे पहले शिप्स, बोट और डेक्स बनाने के काम आती है. इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी होती है, इससे रेजिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिस रेजिन को हम लोग डामर बोलते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि जो डामर होता है ना वो रोड्स पे बिछाए जाते हैं. वो डामर जो होता है, वैसे तो उसकी सोर्स और भी चीजें होती है, लेकिन एक शोरिया रोबस्टा से भी क्या होता है कि डामर एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके, के बाद साथ है कि फर्नीचर, चेयर और फ्लोरिंग्स जो होती है, यानी कि अगर हमें फ्लोर्स पे क्या है कि वुडन फ्लोर अगर बिछाना है तो उसके लिए हम लोग साल की वुड्स को यूज करते हैं. तो ये था डिस्क्रिप्शन अबाउट साल. इसी के बाद सिमिलर मैनर पे जो अगला प्लांट मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है शीशम. तो शीशम का बेसिक डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं. इसको हम बोलते हैं डलवर्गिया सीसो, फेबेसी फैमिली को बिलोंग करता है. हिंदी में इसको शीशम बोलते हैं या फिर नॉर्दर्न रोजवुड बोलते हैं. मोस्ट कॉमनली मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार पे देखने को मिलता है. 30 मीटर की इसकी हाइट होती है, 2.4 मीटर की इसकी गर्थ होती है. गर्थ कहने का मतलब है कि डायमीटर होती है. ओके, बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ते हैं. इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो व्हाइट या फिर पिंक कलर के होते हैं और जो लीव्स होती है वो बिल्कुल लेदरी होती है, लार्ज होती है और अल्टरनेट मैनर पे क्या होती है, अरेंज होती है. देन वी हैव द यूजेस ऑफ शीशम. शीशम वुड को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले यूज टू मेक मृदंगा. मृदंग जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो मृदंग बनाने के काम आता है. इसके अलावा क्या आता है, यूज टू मेक प्लाईवुड, बेड, वुडन एग्रीकल्चर टूल्स. थर्ड इज ट्विग्स यूज टू मेक टूथब्रशेस. इसकी जो ट्विग्स होती है उससे हम लोग टूथब्रशेस को प्रिपेयर करते हैं. ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने 3 हार्डवुड पढ़ लिए, टी, साल, शीशम. ओके, अब जो लास्ट के 2 प्लांट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनकी सॉफ्ट वुड को यूज किया जाता है टिम्बर एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो वो 2 कौन से हैं, एक है पाइनस और एक है दियोदार. तो सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है पाइन. हम लोग पाइन के बारे में पढ़ते हैं. देखो वेराइटीज तो इसकी बहुत सारी होती है, लेकिन जिसको हम लोग पाइन बोलते हैं ना, मोस्ट कॉमन जो होता है वो पाइनस रुक्सबर्गी होता है. फैमिली पीनेसी को बिलोंग करता है. अभी तक जो 3 हम लोगों ने पढ़े थे वो तो एंजियोस्पर्मिक थे, वो हमारे डेसीडियस थे, उनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर थी. लेकिन अब जो प्लांट हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकी लीव्स बहुत नैरोअर होती है, क्योंकि ये एवरग्रीन होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक होते हैं और बेसिकली मोनोकॉट्स होते हैं. ओके, तो पाइनस रुक्सबर्गी पीनेसी फैमिली को बिलोंग करता है जो कि जिम्नोस्पर्म के अंडर आती है. कहाँ कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान एंड सिक्किम. इसके अलावा हिंदी में हम इसको पाइन बोलते हैं, पाइनस बोलते हैं या फिर चीर का पेड़ भी बोलते हैं. देन वी हैव इसका जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है कि जो लीव्स होती हैं निडल लाइक लीव्स होती है, ग्रीन होती है और क्लस्टर्ड होती हैं. जो कोन्स होते हैं जब वो रॉ होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्रीन वेन रॉ, मतलब जब कच्चे होते तो उस टाइम पे कैसे होते, जब वो स्मॉल होते हैं फ्रेश होते तो उस टाइम पे वो ग्रीन कलर के कोन्स देखने को मिलते हैं.
एंड हार्ड एंड रेड व्हेन दे आर राइपेंड. तो जैसे ही वो राइपेंड हो जाएंगे तो उनका कलर जो होता है वो रेडिश कलर का या फिर हार्ड कलर का हो जाता है. और राइपेंड होने के बाद जब पूरी तरीके से वो ड्राई हो जाएंगे ना तो ब्राउन कलर के हो जाते हैं यहाँ पे कॉन्स उसके. फिर अगला आ जाता है स्टेम, जो इसकी स्टेम होती है वो थिक होती है और रेडिश ब्राउन कलर की होती है. इसमें जो सीड होती है वो विंग्ड होती है, मतलब सीड में जो होती है विंग्स देखने को मिलते हैं. आफ्टर दिस वी हैव द यूजेस ऑफ पाइन. देखो पाइन वुड के क्या क्या यूजेस होते हैं. इट्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ चारकोल एंड कोलतार. चारकोल और कोलतार का काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है. इससे टर्पेंटाइन एक्सट्रैक्ट किया जाता है. जो टर्पेंटाइन होता है बेसिकली उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द पाइन. यूज टू मेक स्मॉल विंडोज फ्लोरिंग. मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉफ्ट वुड से हम लोग ऐसी चीजें नहीं बना सकते, ऐसे वुडन प्रोडक्ट्स नहीं बना सकते जिनको हमें हैवी वेट लिफ्ट करवाने के लिए क्या होता है यूज किया जाता है, मतलब जिनको क्या होता है हैवी वेट को लिफ्ट करना होता है. इसके अलावा इसकी जो वुड होती है ना वो फ्यूल और फायर पर्पस के लिए भी यूज की जाती है. सो मोस्टली यूज फॉर फायर पर्पस या फिर फ्यूल पर्पस के लिए हम इसकी वुड को यूज करते हैं. अब इसमें एक चीज है जो मैं पहले मेंशन करना भूल गई, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज. देखो प्रॉपर्टीज तो आपको वैसे समझ में आ गया होगा जब मैंने आपसे बोला कि ये सॉफ्ट वुड है. तो सबसे पहले बहुत वीक होती है, वेरी वीक होती है. और रेजिनस जो प्रॉपर्टी होती है वो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है. बिकॉज रेजिनस वुड जो होती है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एक ऐसा प्लांट जो कि रेजिनस होता है तो वहां पे आप पाइन को एक्सप्लेन कर सकते हो. सो इसकी जो वुड होती है वो बहुत ज्यादा रेजिनस होती है, टर्पेंटाइन से निकलता है. इसके अलावा टर्माइट अटैक से ये ससेप्टिबल होती है, मतलब एक होता है रेजिस्टेंट और एक होता है ससेप्टिबल. रेजिस्टेंट वो होता है जो किसी चीज को बचा सकता है, मतलब किसी चीज से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है. ससेप्टिबल होता है कि मतलब बचाया नहीं जा सकता है इसको, मतलब टर्माइट अटैक इजिली टर्माइट इसको अटैक कर सकते हैं. इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जो ड्यूरेबल चीजें होती है, वो हम लोग पाइन वुड से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि टर्माइट्स के जो अटैक होता है ना उससे खुद को नहीं बचा सकता है. ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई पाइन की. अब जो लास्ट हम लोग प्लांट यहाँ पे कवर करने वाले हैं, पढ़ेंगे दियोदार के बारे में. तो दियोदार का जो डिस्क्रिप्शन होता है इसको हम बोलते हैं सिड्रस दियोदार. पीनेसी फैमिली को बिलोंग करता है. हिमालयन सिदार या फिर इसको देवदार भी बोला जाता है. इसके अलावा 60 मीटर के अप्रोक्स इसकी हाइट होती है. कहाँ कहाँ देखा जाता है, ये हमारा इंडिया पे होता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर. इन पर्टिकुलर इलाकों में जनरली ये देखने को मिलता है. अब हम देखेंगे कि इसका जनरल डिस्क्रिप्शन कैसा होता है. इसकी जो लीव्स होती है वो बिल्कुल निडल लाइक होती है, क्लस्टर्ड होती है और सिंगल होती है. अब हम पढ़ेंगे सिड्रस दियोदार के जो यूजेस होते हैं. देखो इसकी क्या क्या यूजेस होती हैं. इसके यूजेस को याद करने के लिए एक चीज याद रखो कि जो बार्क होती है ना उसके दो पार्ट होते हैं, एक इनर पार्ट होता है, एक आउटर पार्ट होता है. तो इसका जो इनर वाला पार्ट होता है ना वो फीवर को क्योर करता है और बेसिकली कोल्ड को क्योर करता है, मतलब वुड मेडिसिनल यूजेस ज्यादा होते हैं इसके इनर बार्क के. और जो आउटर वाली बार्क होती है वो एरोमेटिक पर्पस के लिए यूज की जाती है. तो धूप हो गया, अगरबत्ती, परफ्यूम्स, ये सब आपने सुना होगा. धूप और अगरबत्ती जो होती है हवन सामग्री जिनको बोला जाता है. अगला इसका जो यूज होता है कि हाउस बोट्स और श्रीनगर. श्रीनगर में जो हाउस बोट्स है वो बनी हुई है सिड्रस दियोदार की वुड से. जब भी कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है तो उस टाइम पे हम इसको यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग स्मॉल ब्रिजेस एंड कैनाल्स. एंड ऑल्सो इट इज यूज टू मेक द चेयर. तो चेयर बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं. तो ये पर्टिकुलर ऐसे पांच प्लांट्स थे जो कि हमारे टिम्बर लीडिंग प्लांट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. तो कौन कौन से प्लांट हम लोगों ने पढ़े. हम लोगों ने पढ़ा टीक, साल, शीशम, दियोदार एंड पाइनस. जहां पे मैंने आपको बताया कि टीक, साल, शीशम तीनों हमारी हार्डवुड होती हैं और साल, दियोदार जो दोनों चीजें होती हैं वो हमारी सॉफ्टवुड होती हैं. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, कोई भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, हार्डवुड सॉफ्टवुड पे डिफरेंस पूछा जा सकता है, हार्डवुड सॉफ्टवुड में से किसी एक एक के एग्जाम्पल को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है, या फिर सिर्फ आपसे टिम्बर बिल्डिंग प्लांट्स के बारे में पूछा जा सकता है. इसका एक और क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि एक ऐसे वुड के बारे में बताइए जो कि रेजिन बनाने के काम आता है, टर्पेंटाइन बनाने के काम आता है, तो वो कौन सा होता है. वो पाइन होता है. एक क्वेश्चन और बनता है कि टिम्बर बिल्डिंग प्लांट होता है जो कि सीजनल क्रैक्स क्रिएट करता है, तो उसमें आपको मैंने बता दिया था कि साल के बारे में आपको बताना है. तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें क्वेश्चंस हैं जिसके फॉर्म में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. डायरेक्ट भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है. पांच जो प्लांट्स होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टिम्बर बिल्डिंग प्लांट्स, ये मैंने इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें. कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहते हैं, आप चाहे तो वहां पे कमेंट्स भी कर सकते हैं. ओके, एंड कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड वो भी कमेंट सेक्शन पे पूछिए आप बिल्कुल फ्रीली. इसके अलावा मैंने इकोनॉमिक बॉटनी पे और भी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट हो, डाई यील्डिंग प्लांट हो, बहुत सी चीजें, तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं वीडियो को. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.